राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 के इस सम्मेलन में लोकसभा के मेरे पूर्ववर्ती माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी, माननीय श्रीमती मीरा कुमार, माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नावेकर जी, देश की सभी राज्य विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, विधान परिषद के माननीय सभापतिगण, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी राज्यों के माननीय विधायकगण, इस कार्यक्रम के रचना बनाने में और उसको साकार करने में माननीय श्री विश्वनाथ किराड़ जी, राहुल किराड़ जी, सम्मानित अतिथियों, भाइयों और बहनों, आज की इस देश की आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक धरती बंबई के अंदर ये विधायक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिस धरती पर आज ये अधिवेशन हो रहा है, ये धरती शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान, संस्कृति और ज्ञान की धरती है। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, बाल गंगाधर तिलक की धरती है, संत तुकाराम जी की धरती है, संत ज्ञानेश्वर जी की धरती है, संत नामदेव जी की धरती है, सावित्रीबाई फुले की धरती है, आध्यात्मिक ज्ञान स्वतंत्रता आंदोलन के कई मनीषियों की धरती है। धरती का अपना प्रभाव होता है और आज इस महाराष्ट्र के इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा, नया विजन, नया संकल्प लेकर हम यहां से जाएंगे। मुझे खुशी है कि इस अधिवेशन के अंदर अलग अलग राज्यों के, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के सदस्य यहां पर आए हैं और हम सब इस बात की चर्चा करने के लिए आए हैं, मंथन करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से हम हमारी विधायक संस्थाओं को और सशक्त करें और मजबूत करें और जनता के प्रति उनको जवाबदेह बनाएं। और इसीलिए हम सब यहाँ पर दो दिन तक विचारों का मंथन करेंगे और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उससे हम जनता का कल्याण करेंगे। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत विश्व का सबसे विशालतम जीवंत लोकतंत्र है। हमें गर्व है कि हम उस जीवंत लोकतंत्र के एक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और इसीलिए इसके कई प्रमाण हैं। वैदिक काल के अंदर संसद, समिति, सभा के प्रमाण हैं। दक्षिण भारत के अंदर भगवान बसवेश्वर के
अनुभव मट्टम्बा, चोल साम्राज्य के ग्राम स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख है। प्राचीन भारत में अलग अलग सभाओं, समितियों, विचारधाराओं और सामूहिकता के साथ निर्णय के कई परंपराएं और कई प्रमाण हमारे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है। और इसीलिए आज भी हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारे संस्कार में, हमारी कार्यशैली में लोकतंत्र है। और जब आज़ादी के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो दुनिया के देश देख रहे थे कि इतनी बड़ी आबादी में ये संसदीय लोकतंत्र सफल होगा ना होगा। लेकिन हमारी प्राचीनतम लोकतंत्र की संस्कार के कारण ये लोकतंत्र सफल भी हुआ और दुनिया के लिए मार्गदर्शन देने वाला भी हुआ। साथियों, हम इसलिए हमारे विधानमंडल हो, हमारी संसद हो, उनके लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहते हैं? लोकतंत्र का मंदिर इसलिए कहते हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति हमारी आस्था है। इस लोकतंत्र के मंदिर से लोगों के जीवन का कल्याण होता है। इस लोकतंत्र के मंदिर से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर से हमारे स्वयं में नैतिकता आती है, ईमानदारी आती है, सत्य की प्रेरणा मिलती है, इसलिए हमें लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर को हम सबको सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इसीलिए इन संस्थाओं के अंदर हम किस तरीके से एक पारदर्शी व्यवस्था कायम करें, एक जवाबदेही व्यवस्था कायम करें। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान बनाने वाले हमारे मनुष्यों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, उन सब मनुष्यों की जब हम चर्चा संवाद सुनते हैं, 2 साल 7 महीने तक लगातार संविधान सभा में चर्चा हुई, हर विषय पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन सहमति से हमारा संविधान बना। और यह संविधान आज हमारा मार्गदर्शक है, यह संविधान हमें एक दिशा दे रहा है। और हमारी संस्थाएं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, वह संविधान के अनुसार चलती है। और इसीलिए संविधान के इस आधार पर चलने के कारण हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो संविधान में दिया है उसकी रक्षा करने की। संविधान बनाते समय समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एक ऐसे विचार दिए थे जिन विचारों को लेकर हमें आज चलने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम जहां पर इन संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे वहां व्यक्तिशय रूप से भी हमें अपने ऊपर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा होती, हमने लोकतंत्र की यात्रा में लोकतंत्र को सशक्त किया, मजबूत किया। इस लोकतंत्र की यात्रा से हमने देश प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम खड़े किए, हमने इस कानून बनाकर जनता को अधिकार देने का काम किया, हमने जनता के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए काम किया।
लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमें फिर से चिंता करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारे पूर्वी अध्यक्षों ने इन संस्थाओं की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाने के लिए लगातार प्रयास किया। अब हमारी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के इस अमृत काल में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इन संस्थाओं को हम कैसे और बेहतर तरीके से प्रभावी रूप से एक आदर्श संस्थाओं के रूप में, आदर्श विचारों का मंथन करने के रूप में इन संस्थाओं को फिर से क्यों विचार करने की आवश्यकता पड़े। और इसीलिए आज हमें संविधान के निर्माण के बाद जब संसदीय लोकतंत्र अपनाया था तो उस समय संसदीय लोकतंत्र के अंदर हमारी कार्यपालिका विधान मंडलों के प्रति जवाबदेही हो, विधान मंडल जनता के प्रति जवाबदेही हो और उसमें चुनने वाले विधायक जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करें। और यह समय आ गया है जब हम जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं और जिन सदनों से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज इन सदनों के माध्यम से होती है तो हमें सदनों की मर्यादा बनाकर रखनी पड़े। आज हम सबके लिए चिंता का विषय, कई हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि संसद का एजेंडा देश और प्रदेश की जनता तय करे, संसद विधानसभा के एजेंडे समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठा व्यक्ति तय करे। लेकिन आज संसद के अंदर चाहे विधानसभाओं के अंदर जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके का आचरण हो रहा है, यह हम सबके लिए चिंता का विषय। सदनों में नियोजित तरीके से सदन को व्यवधान करना, सदनों को स्थगित करना, बेल में आके नारेबाजी करना, सदन कागज पढ़ने के लिए होते हैं उन सदनों के अंदर कागज फाड़ने की प्रवृत्ति हो रही है, ये हम सबको कहीं ना कहीं चिंता नहीं लगती। हमारा विचार का विषय नहीं कि आखिर जिन संस्थाओं को हमने मंदिर माना है, जहां पर हम जनता के कल्याण के लिए आए हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आए हैं, क्योंकि हम समाज का नेतृत्व करते हैं, जब एक बार विधायक चुनकर हम आते हैं तो किसी दल के विधायक नहीं, सब जनता के विधायक, हमारी जनता की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमें सामूहिक रूप से उस जनता की कल्याण की जिम्मेदारी बन जाती है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? क्या रोज रोज सदन स्थगित होना, क्या सदनों में कागज फाड़ना, हंगामा होना, ये अशोभनीय व्यवहार हम सबके लिए कहीं चिंता का विषय तो नहीं है? और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो उसको पालन करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करता है। इसलिए सदन संस्थाएं कितनी भी बेहतर हो, कितनी भी जवाबदेह हो, लेकिन उस संस्थाओं में बैठने वालों के व्यवहार आचरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और इसीलिए मेरे लिए तो हमेशा चिंता का विषय रहता है, विचारधाराओं के आधार पर, दलों के आधार पर मतभेद हो सकते हैं, नीतियों की आलोचना हो सकती है, मुद्दों पर विषय उठाए जा सकते हैं, कानून बनाते समय
कानून के पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन कानून पर चर्चा न होना, नीतियों कार्यक्रमों पर चर्चा नहीं होना, मुद्दों पर चर्चा न होना, यह हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी संस्कृति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम लोकतंत्र की जननी के रूप में विश्व में माने जाते हैं। हमारी पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पारदर्शी चुनाव, सत्ता का स्थानांतरण दुनिया के अंदर निर्देश दिशा देते हैं। दुनिया के कई देशों में सैनिकों के आधार पर सत्ता पलट का काम होता है, लेकिन हमारे यहां पर सत्ता का स्थानांतरण जनता के द्वारा होता है, जनता के मतों के आधार पर। और इसीलिए मेरा आपसे विचार है कि इस मंथन पर हम यहां बैठे हैं, दो दिन तक विचार पर बैठे हैं। मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने अलग अलग विधायकों ने जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नई प्रैक्टिस अपनाई, नए सामाजिक कार्यक्रम चलाए, लोगों के जीवन की बेहतरीन करने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए सरकार की योजनाओं के बाद अपनी योजनाओं को लागू कर काम किया, उनका परिदृश्य, उनकी प्रदर्शनी मैंने देखी। कई संस्थाओं के उच्च मापदंड मर्यादाओं के विचारों को भी मैंने देखा है। और आज भी कई राज्य की विधानसभा ऐसी है जो न सदन स्थगित होता है, न सदन में शोरगुल होता है, मुद्दों पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, लेकिन कभी सदन स्थगित नहीं होता। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सदन भी ऐसा होना चाहिए। हम जब पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जब चर्चा करते हैं तो हमारे सब पीठासीन अधिकारियों की एक ही चिंता रहती है, घटती बैठकों की संख्या, बढ़ते अनुशासनहीनता, सदन की मर्यादा कम होना, यह हम सबके लिए चिंता का विषय। और इसीलिए सदन का पीठासीन अधिकारी कोई भी हो, पूर्व में किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन जब पीठासीन अधिकारी के रूप में वो बैठता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो निष्पक्ष भी रहे और न्यायपूर्ण भी रहे। और इसीलिए आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहां पर साझा करेंगे। छोटे छोटे ग्रुप के अंदर जिन विधानसभाओं ने अच्छा काम किया उनका प्रेजेंटेशन होगा, जिन विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी विधानसभा के अंदर जो अच्छा काम किया था उसकी जानकारी मिलेगी। तो लोकतंत्र यही है कि चर्चा, संवाद, अनुभवों, विचारों को साझा करना, लोगों से सीखना और उनको अपने जीवन में उतारना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब जनता हमें चुनकर भेजती है तो जनता हमारे कार्यों का अनुसरण भी करती है, जनता हमारे हर कार्य पर निगरानी रखती है, हम किस तरीके से नैतिक रूप से ईमानदार, कड़ी मेहनत, पारदर्शिता, समर्पण और सेवा हमारे जीवन में दिखेगा तो जनता भी उसी आचरण की ओर चलेगी। और इसीलिए जनता जब चुनकर भेजती है तो इसलिए भेजती है कि मैं दूर दराज के गांव में बैठा हूं, मेरी बात भी मेरे विधायक, माननीय सांसद सदन में रखेंगे, तथ्यों के आधार पर रखेंगे और मेरी आवाज, मेरी बात, मेरी समस्याएं, कठिनाइयों का समाधान होगा। और इसलिए मेरा आप लोगों से ये आह्वान है कि हम इस अमृत काल में गुजर रहे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, हमें समृद्ध भारत बनाना है। और आज हमारे पास समर्थ नौजवानों की ताकत है, अपार जनशक्ति है, अपार प्राकृतिक संसाधन है, हमारा सशक्त लोकतंत्र है। हमारे विचारों, हमारे संस्कारों के अंदर देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। क्यों नहीं हम इस सम्मेलन से जाएं, एक अच्छे विचारों को लेकर जाएं, अच्छी प्रेरणाओं को लेकर जाएं और अपने अपने विधानसभा के अंदर किस तरीके से एक बदलाव, एक नया परिवर्तन करें, समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठे व्यक्ति के जीवन को बदलने का हमारा लक्ष्य हो। और आने वाले समय में इस 25 वर्ष के अमृत काल में मैं मेरी विधानसभा के अंदर जो अभाव में वंचित हैं, गरीब लोग हैं, उनको जीवन को बदलने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं सरकार से भी मुद्दे उठाऊंगा, हर विषय पर लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, सामाजिक आंदोलन करूंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता के जीवन में बदलाव प्रथम पंक्ति पर मैं लाऊंगा। ये लक्ष्य लेकर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। इस मौके पर यहाँ पर आप सभी पधारे और मुझे अच्छा लगा कि सब सामूहिकता के साथ मिलकर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि दो दिन तक हम चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन के माध्यम से एक नई दिशा लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, नई प्रेरणा लेकर जाएंगे और बदलते भारत में हमारा योगदान होगा और हम ही बदलते भारत की तस्वीर को बदलेंगे। आप सभी को इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।